हमारे पास है जिमर की कैनवस वाली HID जो कि आप यूज़ कर सकते हो, आपकी कोई भी गाड़ी हो, H4 हो जैसे कि मैं अपनी बीट के अंदर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, H7 हो जैसे ब्रीजा में लगती है, H7 एंड H1 वो मिल जाएगी आपको। फिर आते हैं 9005 लगते हैं हमारे हेडलाइट के अंदर, 9006 लगते हैं फॉग लैंप के अंदर जो कि HD के प्लस वाले फॉग लैंप है, HD के प्लस के अंदर जो प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप आते हैं उसके अंदर 9006 लगेंगे। साथ ही साथ जो वरना के अंदर हमारे फॉग लैंप आते हैं उसके अंदर 9006 लगेंगे, जो हेडलाइट आती है उसके अंदर 9005 लगेगी। ये सारे बल्ब साइजेस होते हैं, इसका कलर से कोई लेना देना नहीं होता। मैं आपको HID के बारे में बताता हूँ। HID आप देख पाओगे कि जिमर की कैनवस HID इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पे कैनवस यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगेन अगर बॉक्स की बात होती है, अभी बॉक्स मेरे पास मतलब बॉक्स का जो है भी स्टॉक है, तो मैं आपको कैनवस वाला बॉक्स दिखा रहा हूँ। बॉक्स पे कभी जाके आपने HID परचेज नहीं करनी है, क्योंकि बॉक्स एक बात बताओ कि बॉक्स हमारे इस तरीके से ओपन हो जाता है, मैं आपको कैनवस वाले डब्बे के अंदर डाल के अगर नॉर्मल HID दे दूँ तो आपको कैसे पता चलेगा, या फिर नॉर्मल डब्बे के अंदर कैनवस HID दे दूँ कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको ब्रीफ करते हैं, जिमर ब्रांड है, जिमर की ही 65 वॉट की यहाँ पे लाइटें जल रही है, नीचे देख पाओगे, रोड के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा मैं जितना भी फोकस आने वाला है। किट दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, तो यहाँ पे देख पाओगे कि बॉक्स के अंदर मैंने टिक कर रखा है 9005 की किट है इसके अंदर। बाकी ये सारे आपके बल्ब साइजेस होते हैं, मॉडल देख पाओगे ये सारे आपके बल्ब साइजेस आ गए। फिर आता है कलर, ये 6000 केल्विन का मैंने कलर टिक कर रखा है, जो आपको आज कलर दिखाने वाला हूँ गाड़ी के अंदर वो 6000 केल्विन का कलर है। ये बता देता हूँ कलर टेम्परेचर आपने देखना है कौन सा लेना है, 6000 केल्विन इज योर वार्म वाइट, यहाँ देख पाओगे 4300 केल्विन लूंगा येलो चली जाएगी, 300 केल्विन तो आती ही नहीं है, मतलब आती भी है तो बहुत रेयरली आती है और बिकती भी नहीं है। जो मेरी फेवरेट होती है वो होती है 6000 केल्विन। 6000 केल्विन प्रमोट मैं इसलिए भी करता हूँ क्योंकि फॉग में भी आपकी चलेगी, जो आपको व्हाइट लाइट वाला एक थीम चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड करवाएगी। बाकी आप बिल्कुल फॉगी वेदर में ड्राइव करते हो, किसी को जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा 4300 केल्विन लो, अदरवाइज आप यहाँ पे जो है 6000 केल्विन ले सकते हो। बाकी जैसा मैंने बताया ये मैं ही पैक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पैक करने के बाद आप देख पाओगे कि जो हमारी किट आती है वो ये वाली किट आती है, जिसके अंदर आपको साइन और वारंटी कार्ड देखने के लिए, मतलब वारंटी नहीं, जिस डेट से है वहाँ से 1 ईयर स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और फिर चलते हैं बल्ब की तरफ, तो बल्ब देख पाओगे इस तरीके का बल्ब है, ये बल्ब फिलहाल 9005 है जो कि अपने प्रोजेक्टर में लगेगा हेडलाइट के। और कैनवस आपने कैसे पहचान करनी है, कैनवस है या फिर नॉर्मल HID है, तो आपको ये बता देते हैं। तो ये देखो जैसे ये हमारा ब्लास्टर हो गया, उसके बाद ये जो हो गई ये हमारी कैनवस वाली डिब्बी हो गई, जिसको कह सकते हैं सुपर HID डिकोडर। इसका काम क्या होता है वो मैं आपको गाड़ी के अंदर बताऊंगा। ये होता है इसका कन्वर्टर जो कि हाई पावर को कन्वर्ट करता है। ये वाली जो दोनों लाइट लगेगी ये लगेगी आपके HID के बल्ब में, जो कि यहाँ देख पाओगे 2 सॉकेट है, ठीक है, और ये लगेगी इसके अंदर, और ये वाली जो है ये लगेगी आपके कार के अंदर। तो ये वाला जो सॉकेट है एज इट इज प्लग एंड प्ले कार के अंदर लग जाता है। और अब चलते हैं सीधा गाड़ी की ब्राइटनेस के ऊपर। अब जो है सबसे पहले आप अंधेरा देख पाओगे बाहर कितना अंधेरा है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले कैनवस का काम बता देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आते हैं भैया कैनवस किसके लिए लेना है, नॉन कैनवस किसके लिए लेना है। कैनवस आपने परचेस कर रहा है जहाँ पे आप अगर अपनी लाइटें ऑन कर रहे हो, MID आपको शो कर दे कि कौन सी लाइटें ऑन हो रही है। देखो MID बता रही है मेरे को कि कौन सी लाइट मेरी ऑन हो रही है, कौन सी ऑफ हो रही है। तो अगर ये गाड़ी आपकी बता रही है, चाहे कोई सी भी XYZ गाड़ी है, तो आपने कैनवस वाली ही लेनी है, अदरवाइज आपका जो है बेनिफिट नहीं होगा। वो चीज़ मैं आपको डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट। वैसे रैंडमली बता देता हूँ, कैनवस जो आपकी लगेगी वो लगेगी सोनेट के अंदर, क्या कि जितनी भी गाड़ी आ रही है सबके अंदर कैनवस लगेगी। क्रेटा नई वाली में कैनवस लगेगी, और ह्यूंडई की i20 जो नई वाली आई है उसके अंदर भी कैनवस लगेगी। बात करते हैं कि नॉन कैनवस किसके अंदर लगेगी। नॉन कैनवस लगेगी जैसे यहाँ मारुति डिजायर खड़ी है बाहर की तरफ, इसके अंदर मारुति की मोस्टली जितनी भी गाड़ी आ रही है सबके अंदर नॉन कैनवस लगेगी, और मोस्टली क्या सबके अंदर ही नॉन कैनवस लगने वाली है। और बात करते हैं शेरवेले की, जो मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगा, तो बीट के अंदर भी नॉन कैनवस लगेगी, बिकॉज मेरे को MID पे शो नहीं होती है सारी चीजें, अगर मैं ऑन करूँ चाहे ऑफ करूँ। यानी कि मेरी गाड़ी को पता नहीं चल रहा मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ या ऑफ कर रहा हूँ, या मेरी गाड़ी को नहीं पता मेरी गाड़ी की लाइटें खराब है या सही है। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये सिस्टम स्कैन भी करती है और सारी चीजें आपको बताती भी है। तो इन गाड़ियों के अंदर आपको कैनवस ही लगानी पड़ेगी। अब कैनवस की बात सॉल्व हो चुकी है, तो आप HID का फोकस देख सकते हो कि HID का जो फोकस आने वाला है वो आपका मैं लो बीम पे पहले दिखा रहा हूँ। लो बीम पे आप देख सकते हो कि किस तरीके का, ये हमने हाई बीम कर दिया, ये हमने लो बीम अगेन कर दी। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेवलिंग काम किस तरीके से करती है। वहाँ देखो सामने HID है, टेल लाइट तक जा रही है मर्सिडीज के, और इसको नीचे करते हैं तो बिल्कुल टायर तक आ जाएगी। तो प्लग एंड प्ले होता है इसके अंदर, कोई इशूज नहीं आते आपको, आप चाहें तो इंस्टॉल करा सकते हैं। और ये मैंने अगेन ऊपर कर दी, अब मैं आपको इसके अंदर डिपर मार के दिखाता हूँ। ये देखो ये इसका हाई बीम है। तो लो बीम में लोगों को लगता है कि लो बीम में इतनी ब्राइट लाइटें लगा रहे हैं सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम होगी, उसको रोड नहीं दिखेगा। तो जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है, गाड़ियां मेरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो आप देख पाओगे कि उनकी जो ड्राइवर है उन तक जो है मेरी लाइट लो बीम पे नहीं जा रही। इनकेस अगर जा भी रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं मांग लेता हूँ जा रही है, तो अपनी लेवलिंग को यूज करूंगा मैं, और लेवलिंग को थोड़ा सा जो है मैं नीचे कर दूंगा कि मेरे को मेरा रोड दिखे और सामने वाले को प्रॉब्लम भी ना हो। अब ये चीज जो है आप यूज कर सकते हो अपने साथ। बाकी कुछ समझदार ऐसे भी होते हैं जो भाई लाइट लगाने के बाद सामने वाले को चाहते हैं अंधा कर दूं, तो उनके लिए तो ये लाइटें है ही, बट ऐसा मत करा करो। और ये जो लाइटें हैं इसको सिटी में आपने लो बीम में यूज करना है, और हाई बीम में भी इसकी लेवलिंग ऊपर करके आप लो बीम में यूज करना,
खाली जब आपको पास लेना है किसी से तभी हाई बीम का यूज करें, क्योंकि इसकी लाइटें इतनी ब्राइट है कि सामने वाले को रोड दिखना बंद हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि अगर आप रूरल एरियाज में रहते हो, सिटी में भी रहते हो, तो लाइटों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा आता है। और आई गेस मैंने कैनवस भी बता दिया कैसा होता है, किट भी दिखा दी कैसी होती है। बॉक्स के ऊपर कभी मत जाओ, अंदर मटेरियल चेक करो, कैनवस बोल रहे हैं तो कैनवस वाली डब्बी साथ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या पता कैनवस बोल के नॉन कैनवस किट जा रही है या फिर क्या जा रहा है। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। बाय करना है व्हाट्सएप पे जाओ, प्रोफाइल पे क्लिक करो, नीचे कैटलॉग ओपन हो जाएगा, कैटलॉग पे जाओ, कैटलॉग में से अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, पार्किंग लाइट चाहिए, DRL चाहिए, HID चाहिए, फॉग लैंप चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल है, सीट कवर, मैट, सारी चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपने सिर्फ पे करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है और सारा सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा विद इन 5 और रूरल एरियाज के लिए 7 to 8 days के अंदर। सामने जितना मैं जस्टिस करा सकता था उतना मेरे कैमरे ने आपको आए गए लाइटें दिखाई दी है। बाकी अगर आप ऑफलाइन डील भी चाहते हो तो भी आपने व्हाट्सएप पे जाना है, चैट सपोर्ट पे जाना है, वहां जाके आपने मैसेज कर देना कि भैया ऑफलाइन इंस्टॉल कराने आना है मैंने, तो किस तरीके से क्या होगा, तो वहां पे मैं आपको एक लोकेशन शेयर करूंगा, तो वहां पे आप आके जो है मेरे से इंस्टॉल करवा सकते हो। बाकी ये जो है पूरा लाइट का सेटअप वो मैंने जितनी अच्छे तरीके से मैं दिखा सकता था उतनी अच्छे तरीके से मैंने दिखाया। HID की बात करते हैं, मेरे को इससे अच्छी HID अभी तक नहीं मिली, इसलिए अभी तक मैं सेल कर रहा हूँ एंड प्रमोट कर रहा हूँ, और बहुत अच्छी लाइटें हैं। और भैया साथ में बैठे हैं, भैया लाइटें आप देख पा रहे होगे, आपने और भी लाइटें देखी होगी, तो लाइटों के बारे में थोड़ा बताओ। बहुत अच्छी लाइट है, अच्छी लाइटें हैं। कितने टाइम से यूज कर रहे हो वैसे आप? काफी 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए, तब से ही फॉग लैंप लगे हैं, तब से लाइटें लगी हुई है, तब से लगी हुई है। और आई गेस आपको मजा आएगा वीडियो में, तो लाइक कर देना। सेल्टोस की एक एक चीज की पर्टिकुलरली वीडियो आने वाली है, सो आपने सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को, ताकि और सेल्टोस वाले भाइयों तक ये चीज पहुंचे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।